प्रिय छात्रों, फिर से आप सभी को इजी क्लासेज में स्वागत है। इजी क्लासेज अब तमाम छात्रों का सुखद और उज्जवल भविष्य का कामना करता है। तो छात्रों, हमने एक वीडियो बनाया था, उसको मैं गुणा करना यानी आपको मल्टीपल करने के लिए बताए थे। तो मल्टीपल बहुत ही इजी तरीका से हमने करने के लिए बताए थे। उसमें बताया गया था कि अगर एक ही अंकों की पूर्णावृत्ति से अगर कोई बहुत से बड़े से बड़ा अगर कोई डिजिट है तो उसको हम गुणा कैसे करेंगे, इसके बारे में हम समझाए थे और आप समझे थे, आपको समझने में हम सक्षम भी हुए थे। चलिए, आपको हम आज ले चलते हैं सेकंड टाइप वीडियो में। अगर दो ही अंक के अगर कोई डिजिट है तो उसको हम कैसे आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए, आप अगर नहीं देखे हैं फर्स्ट टाइप के वीडियो तो सबसे पहले जाकर के फर्स्ट टाइप वीडियो देख लें, ताकि आपको सेकंड टाइप वीडियो देखने में और समझने में ज्यादा आसानी हो। तो चलिए, गुणा यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं MUL मल्टीपल्स, जिसको इंडिकेट आपको एक से हम कर सकते हैं। अब देखिए, यहां 72 है और यहां पर 27 है। अगर इस टाइप के अगर डिजिट दिया रहे तो इसको आप कैसे मल्टीपल करिएगा, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आपको, देखिए 72 में आपको यूनिट डिजिट कितने हैं, इकाई अंक पर कितने हैं, 2 है, और इसमें आपको इकाई अंक पर कितने हैं, 7 है। तो सबसे पहले दोनों का इकाई अंक क्या कर लीजिएगा, मल्टीपल कर लीजिएगा यानी गुणा कर लीजिएगा। 2 × 7 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो यहाँ 14 का क्या लिख लीजिए, 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिमाइंडर कितने बच रहे हैं यानी आपको कैरी कितने हैं, 1 है। अब देखिए, कैरी आपको दिमाग में रखने हैं कि मेरा कैरी कितने हैं, 1 है। अब कुछ भी नहीं करना है, देखिए फर्स्ट अंदर वाले अंदर के साथ और बाहर वाले बाहर के साथ क्या करिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा और दोनों के मल्टीपल करके जोड़ दीजिएगा। अब देखिए, तो 2 में 2 से मल्टीपल करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर आपको 7 में 7 से बाहर में मल्टीपल करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 7 × 7 = 49। तो आपको 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। कैरी कितना, 1, तो 4 × 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी 53 आए। 53 और 1 मेरा क्या था, कैरी था। तो 53 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएंगे आपको, 40 हो जाएंगे यानी 54 हो जाएंगे। तो 54 का आप क्या लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको आपको कैरी कितने हैं, 5 हैं। अब कैरी को आपको दिमाग में रखना है कि कैरी मेरे 5 हैं। अब देखिए, तो फर्स्ट में आप क्या किए थे, फर्स्ट मल्टीपल किए थे, अब लास्ट में क्या करने हैं, लास्ट मल्टीपल करने हैं यानी 7 को, यानी इसका 10 डिजिट और इसका 10 डिजिट, यानी 72 का 10 डिजिट और आपको 27 का 10 डिजिट, दोनों के आपस में क्या करिए, मल्टीपल कर लीजिए। तो कितने हो जाएंगे आपको, 7 में 2 से मल्टीपल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी 14 में कैरी मेरा कितने था, 5 था। 5 इसको क्या करिए, आप जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे आपको, 19 हो जाएगा। तो 19 का आप क्या करिए, यहाँ पे 19 लिख दीजिएगा। तो आप इस तरीका से मल्टीपल करिएगा तो आपको ज़्यादा आसान होंगे आपको क्वेश्चन बनाने में। कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो सिंप्लीफिकेशन आपको इजी हो जाएंगे, तो आपको टाइम बचाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो वहाँ पर टाइम का ज़्यादा वैल्यू होते हैं। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, मान लें कि आपको यहाँ पे 9 2 दे दिया और यहाँ पे आपको 2 3 दे दिया, इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया आपको, बोला कि बोलेगा नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन आपको मजबूत रहेंगे तो आपको एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को सबसे पहले हमें ठीक करने हैं। अब देखिए, जब इस टाइप का रहेगा तो 92 में इकाई अंक पर कितना है, 2 है, 23 में इकाई अंक पर कितना है, 3 है। अब इकाई अंक दोनों का इकाई अंक क्या करेगा, मल्टीपल कर लीजिएगा, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 हो गए, कैरी मेरा कुछ भी नहीं है। अब क्या बताए थे कि अंदर वाले अंदर के साथ और बाहर वाले बाहर के साथ मल्टीपल कर लीजिएगा, और मल्टीपल करने के बाद क्या करिएगा, अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो 2 और 2 में यानी अंदर को अंदर से क्या करिए, मल्टीपल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बाहर को बाहर से मल्टीपल कर दीजिए, 9 में 3 से आप मल्टीपल करिए तो कितने हो जाएगा आपको, 27 हो जाएंगे। अब 27 में आप 4 जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे आपको, 31 हो जाएगा। अब देखिए, कैरी मेरा था, नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो 31 का आप क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर ही 6 था तो 6 पहले लिख दीजिए, और 31 का क्या करिए, 1 आप लिख दीजिए। कैरी कितना है, 3 है। अब देखिए, अब लास्ट यानी 92 का 10 डिजिट में
और 23 का 10 डिजिट में, ये दोनों का क्या करिए मल्टीपल करिए, तो 9 में 2 से मल्टीपल करिएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में कैरी कितना था 3 था, तो जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो लास्ट में 21 का 21 ही लिख दीजिए, तो इतना में आप इतना से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 2116 आ जाएंगे। तो इसी टाइप से और आपको देखते हैं तो आपको डॉट जितने होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आपको डॉट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आपको लग रहा होगा कि उसी टाइप से मल्टीपल इजी है, नहीं, बट इस तरीका से आप सीख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको कैलकुलेशन से आसान हो जाएंगे। तो चलिए इस टाइप से और अगर देखते हैं, यानी 79 और यहाँ पर ही 44 इस टाइप से क्वेश्चन रहे, 44 ऐसे क्वेश्चन रहे, तो इसको बोला गया, बोला नहीं जाएगा, इस सब बोलने के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये सब आपको कैलकुलेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ही आप देखिएगा कि 79 में इकाई अंक कितने हैं 9 है, 44 में इकाई अंक कितने हैं 4 है। अब दोनों का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से क्या करिए मल्टीपल कर लिए, 9 में 4 से क्या करिए मल्टीपल कर लिए, तो कितने हो जाएंगे 9 चौके 36, तो 36 का आप यहाँ कर लीजिए 6 लिख दीजिए, कैरी मेरा कितना है 3 है, तो कैरी को आपको दिमाग में रखना है कि कैरी मेरा कितना है 3 है। तो आप देखिए क्या बताए थे कि अंदर को अंदर से और बाहर को बाहर से क्या करिए मल्टीपल कर दीजिए, तो अंदर कितना है यानी आपको 94 से, तो 94 को मल्टीपल कर दीजिए 36, और बाहर कितने हैं 7 और 4 है, तो 7 में 4 से मल्टीपल कर दीजिए 28, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या बताया है कि अंदर को अंदर से गुना बाहर को बाहर से गुना करके दोनों के जोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे 14 और 3 2 5 16 कैरी। अब देखिए यहाँ पर ही कैरी मेरा कितना था 3 था, तो कैरी इसमें जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे 4 3 7 6, यानी यहाँ पर ही 67 का क्या लिख सकते हैं 7 लिख दीजिए, कैरी कितना है मेरा 6 है। अब देखिएगा 79 में दहाई अंक कितने हैं 7 है, और आपको 44 में दहाई अंक कितने हैं 4 है, तो आपको दोनों का दहाई अंक को मल्टीपल कर लीजिए, 7 में 4 से मल्टीपल करेगा तो 28 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, तो 34 आ जाएंगे। तो ये इसका आप मल्टीपल करिएगा तो इस तरीका से आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, पर बहुत भारी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले दोनों का इकाई अंक को मल्टीपल कर लेना है, इकाई अंक का मल्टीपल करने के बाद जितना कैरी आएगा उसको आपको दिमाग में रखना है, ये सब आपको कैलकुलेशन नहीं करने हैं, ये सब आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करने हैं, ऐसे कैलकुलेशन करेगा तो टफ हो ही जाएंगे। तो आपको जो भी कैलकुलेशन करने हैं आपको माइंड में सेट रखने हैं, तो इकाई अंक किसका मल्टीपल करके लिख देने हैं, फिर अंदर वाले अंदर के साथ और बाहर वाले बाहर के साथ दोनों के क्या करिएगा मल्टीपल करके आप जोड़ दीजिएगा, जितना कैरी था उसको फिर जोड़ दीजिएगा। अब फर्स्ट में क्या करिए फर्स्ट को गुना, अब क्या करेंगे लास्ट को गुना करके और जो है उसको आप जोड़ दीजिएगा, तो समझ में आपको आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगर यहाँ पर ही आपको दे दिया गया, बहुत ही छोटा अंक लेते हैं हम, इस टाइप से दे दिए और बोला कि इसका आप मल्टीपल करिए, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करने हैं कि ये जो फर्स्ट यानी 92 का इकाई अंक पर कितना है 2, अब 86 का इकाई अंक पर कितना है 6, अब दोनों का इकाई अंक क्या करेगा मल्टीपल कर दीजिएगा। ये सब ऐसे ब्लैक बोर्ड पर चाहे कॉपी पर नहीं करने हैं, आपको उस दिमाग में ही सेट करने हैं, तो कितने हो जाएंगे 12, इकाई आपको कैरी कितने हैं 1, यानी 12 का 2 लिख दीजिए कैरी मेरा 1, ये सब दिमाग में रखने हैं बात को। अब देखिएगा कि अंदर को अंदर से और बाहर को बाहर से क्या करेगा मल्टीपल कर दीजिएगा, तो अंदर को अंदर से आप यहाँ पे कॉपी पे रफ ना करिएगा, दिमाग में ही आपको करने का प्रयास करिएगा, तो 8 को 2 से मल्टीपल करेगा तो 16 हो जाएंगे, और 9 को आप 6 से मल्टीपल करेगा तो 54 हो जाएंगे, तो इसको आप जोड़ दीजिएगा कितने हो जाएंगे 6 4 0 6 4 10 0 5 6 7, यानी आपको 70 हो जाएंगे, 70 में कैरी मेरा कितना था 1 था, तो कितने हो जाएंगे 71 का आप यहाँ पर ही 1 लिख दीजिए, मेरा कैरी कितना है 7 है,
तो सेवन देखिए, आप कैरी के रूप में आ गया तो फर्स्ट में क्या किए थे, फर्स्ट फर्स्ट को गुना, फर्स्ट फर्स्ट को गुना और फिर बीच वाले बीच के साथ, अंतिम वाले अंतिम के साथ मल्टीपल करके जोड़ दिए थे, कैरी था तो कैरी ले। अब क्या करना है कि अंतिम अंतिम को गुना करके, यानी दोनों के, इसका 92 का दहाई अंक, 86 का दहाई अंक, दोनों का गुना करेंगे, 10 डिजिट, दोनों का 10 डिजिट को आपस में गुना कर लेंगे। 9 में 8 से गुना करेंगे तो 9 अट्ठे 72, कितने होंगे 72, यानी 72। 72 में मेरा कैरी कितना था, 7 था। अब दोनों के जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मेरा 79 आ जाएंगे। तो 79 का 79 ही लिख देंगे, इसका आप मल्टीपल करिएगा तो इतना आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप का मल्टीपल सीखने में ज़्यादा आसानी हुए होंगे, आपको ये टॉपिक समझ में भी आए होंगे। तो इसको देखने से पहले आप फर्स्ट टाइप का जो वीडियो बनाए थे मल्टीपल, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझाने में सक्षम हुए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और बेल आइकन को बजा दीजिएगा, ताकि आप पे मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियो होंगे आप पर नोटिफिकेशन सारा पहुँचता रहे। आज तक का वीडियो यहीं तक रखा जाए, थैंक यू।